जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आर्मी रैली भर्ती 2020 की बात करेंगे और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 2020 की सबसे बड़ी रैली भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको डिटेल से देंगे। बात करें दोस्तों रैली भर्ती की, तो 22 फरवरी से दोस्तों रैली भर्ती शुरू हो जाएगी और 15 मार्च तक चलने वाली है। दोस्तों इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है, तो जो अभ्यर्थी रैली भर्ती में भाग लेना चाहता है तो 15 फरवरी से पहले दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन कराना पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको डिटेल से दे देते हैं। उसके पहले दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अगर आप आर्मी और टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों अगर आपने अभी तक परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप परीक्षा ऐप्स को डाउनलोड कर लें। दोस्तों इस ऐप्स की खासियत यह है कि आर्मी एवं टीए आर्मी में जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी प्रकार के दोस्तों आपको यहां से टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाता है। साथ में दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप यहां से टेस्ट सीरीज लेते हैं और शिक्षा 40 कोड का उपयोग करते हैं तो दोस्तों आपको 40% की छूट मिलेगी। अब चलिए दोस्तों आपको रैली भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से दे देते हैं। उसके पहले दोस्तों बता दें कि जो अभ्यर्थी नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए यहां पर रैली भर्ती नहीं आई हुई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको वही बता देते हैं कि किस किस स्टेट की भर्ती आई हुई है। तो चलिए दोस्तों अब आपको पूरा ऑफिशियल डाटा हमने डाउनलोड किया है, तो आप भी डिटेल से देख लीजिए कि इसमें किसकी किसकी भर्ती आई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए कि दोस्तों जीडी की भर्ती आई हुई है, इसके लिए आपकी एज 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। और दोस्तों बात करेंगे तो 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच दोस्तों अगर आपका जन्म हुआ है तो दोस्तों आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें दोस्तों तो आपको 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए जीडी के लिए। और दोस्तों देख लीजिए वेट सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे 50 किलोग्राम वेट रखा गया है। चेस्ट की बात करें दोस्तों तो 77 आपका नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर दोस्तों फूलना अनिवार्य है। दोस्तों आपको अगर 5 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं फूलता है तो आपको रैली भर्ती में फेल कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल 77 होना चाहिए और दोस्तों फूलने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी दोस्तों 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य है। अब चलिए दोस्तों आपको बता देते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या जरूरत है। तो अगर आप जनरल ड्यूटी में जाना चाहते हैं जीडी में तो दोस्तों आप 10वीं पास होने चाहिए 45% मार्क के साथ और दोस्तों आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। 10वीं दोस्तों आपके टोटल 45% मार्क्स और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों आपके टोटल 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। अब दोस्तों अगली भर्ती की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए टेक्निकल है। अगर दोस्तों इसकी एज की बात करें तो 17.5 से 23 साल होनी चाहिए और 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच दोस्तों आपका जन्म हुआ हो। हाइट वेट दोस्तों आपको वही रहेगा 170 और 50 किलोग्राम। और चेस्ट की बात करें दोस्तों तो वही रहेगा नॉर्मल आपका 77 और 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य रहेगा। अगर दोस्तों इसके लिए योग्यता की बात करें तो हम आपको बता दें कि 12वीं आप पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 40% मार्क्स अनिवार्य हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा जो आपके इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री लगता है तो प्रैक्टिकल से दोस्तों अगर आपके 40% हैं तो आप जा सकते हैं। और दोस्तों साथ में आपको हम बता दें कि अगर आप 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के साथ पास किए हैं तभी जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप यूजी किए हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, दोस्तों जो यहाँ पे मैं परसेंटेज बता रहा हूँ 50% मार्क्स और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स, वो फिर अनिवार्य नहीं रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले ट्रेड पे, देख लीजिए आपकी क्लर्क है, तो क्लर्क की अगर बात करें दोस्तों तो एज सबके लिए दोस्तों वही रहेगा 17.5 से 23 साल, 1 अक्टूबर 1996 से दोस्तों अगर आपका जन्म हुआ हो 1 अप्रैल 2002 के बीच तब आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों क्लर्क की बात करें दोस्तों आप यहां को हाई क्लर्क में हाइट में छूट मिलती है, तो अगर आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर है दोस्तों आप क्लर्क में जा सकते हैं। वेट दोस्तों आपको वही 50 किलोग्राम रहेगा। चेस्ट दोस्तों 77 नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फूलना अनिवार्य रहेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी योग्यता की, तो 12वीं दोस्तों आपके 60% मार्क्स अनिवार्य रहेंगे और दोस्तों अगर आप आर्ट कॉमर्स और साइंस ग्रुप से 12वीं पास है तभी जा सकते 12वीं पास हैं तभी जा सकते हैं और प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों आपके 50% मार्क्स अनिवार्य रहेंगे। तो 12वीं दोस्तों आपके 60% और प्रत्येक सब्जेक्ट में जब आपके 50% रहेंगे तभी आप क्लर्क में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगला ट्रेड, देख लीजिए यहाँ पे ट्रेडमैन है, तो ट्रेडमैन दोस्तों दो प्रकार की वैकेंसी है, एक आपकी 10वीं पास है और एक आप नीचे आएंगे तो 8वीं पास मिल जाएगी। एज दोस्तों आपको वही रहेगा 17.5 से 23 और दोस्तों वही 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच आपका जन्म हुआ हो। हाइट 170 ही रहेगी दोस्तों। वेट में दोस्तों आपको 2 किलोग्राम जो ट्रेडमैन में जाएंगे उनको छूट मिलेगी और चेस्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी जो दोस्तों ट्रेडमैन में जाएंगे। 76 आपका नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर अनिवार्य रहेगा। अब दोस्तों योग्यता की बात करें ट्रेडमैन में, तो आप 10वीं पास हो दोस्तों अगर आपके 45% से कम है तब भी जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स अनिवार्य रहेंगे। दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं तो ट्रेडमैन में जा सकते हैं, ये परसेंटेज नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए एक 8वीं पास भी है, तो 8वीं पास दोस्तों आई हुई है, एज दोस्तों वही रहेगा। अब दोस्तों आप देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ भी वही रहेगा, हाइट भी वही रहेगा दोस्तों, वेट भी वही रहेगा और चेस्ट भी वही रहेगा। दोस्तों यहां आप अगर 8वीं पास हैं तो आप ट्रेडमैन में जा सकते हैं जो 8वीं पास की पोस्ट आती है। और दोस्तों आपको बता दें कि 33% आपके मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में
अनिवार्य है। यानी दोस्तों आप साफ साफ तौर पर यह समझ सकते हैं कि जो ग्रेड से पास होते हैं उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों बता देते हैं पूरी जानकारी डिटेल से। तो आप देख लीजिए आगरा सेंटर की भर्ती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों आप देख लीजिए 22 फरवरी 2020 से 15 मार्च 2020 तक चलने वाली है। तो उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों बहुत बड़ी रैली भर्ती है। अब चलिए दोस्तों पूरी जानकारी डिटेल से देते हैं कि आखिर ये भर्ती कहाँ पे है। दोस्तों हम आपको बता दें कि मथुरा में, दोस्तों आपको हम बता दें कि पशु चिकित्सा कॉलेज के पास दोस्तों जो ईगल भूमि है दोस्तों वहीं आपकी ये भर्ती होने वाली है। मथुरा में दोस्तों आप अच्छे से सुन लीजिए आपकी भर्ती कहाँ होने वाली है। तो पशु चिकित्सा कॉलेज के पास जो ईगल भूमि दोस्तों है वहीं आपकी भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों देख लीजिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो आगरा, मथुरा दोस्तों, हथरस और दोस्तों कासरंज और दोस्तों आप देख लीजिए अलीगढ़ और दोस्तों फिरोजाबाद के दोस्तों अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें तो मात्र 6 जिले के डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश के। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसे ही कोई अगली रैली भर्ती आती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से देंगे। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलते हैं।